गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग्स। हम अब उठ चुके हैं, दायरा ने अपनी असेंबली क्लास लगा ली है। अब हम दूध और चाय बना के लाएंगे, दायरा के लिए दूध और हमारे लिए चाय। और अब 9 बज चुके हैं, अब ये क्लास लगाने जा रही है और मैं नीचे दाम्या की ऑलरेडी क्लास लग रही है, दाम्या की लग रही है और मैं नीचे इनके लिए दूध बना के लेके आ रही हूँ। तो फिर मिलते हैं। ये ऐसे ही लेटे रहते हैं और ये उठेंगे यहाँ से 10:30 बजे। हेलो गाइस, 10:30 नहीं उठूंगा मैं चाय की वेट कर रहा हूँ। चाय पीते ही मैं फटाफट उठने वाला हूँ। वो मैं आपको दिखाऊंगी, 10:30 का भी टाइम दिखाऊंगी और अभी 9 बजे है। अभी गाइस मैं आज मैं सच्चाई का सामना करवाऊंगी। बेड टी की वेट कर रहा हूँ, बेड टी पीते ही मैं उठ जाऊंगा, देखते हैं। मैं तो गाइस ये हम चाय और दूध बना के लाए और साथ में गरम जलेबी भी है, अब ये इसे खाएंगे। फाइनली चाय मिल गई है गाइस, अभी हम फटाफट पी लेते हैं और उसके बाद नहाते हैं। अब हम रेडी हो गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब निकल चुके हैं ऑफिस के लिए और अब हम मिलते हैं आपको ऑफिस में। सो गाइस, सुमन को देते हैं सरप्राइज और ये काफ़ी दिन से डिमांड कर रही थी फ़ोन का, तो उसका फ़ोन हो चुका है ख़राब, बार बार हैंग हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। तो मेरे को एक ऑफिस में भी वैसे फ़ोन की रिक्वायरमेंट आई है क्योंकि हमारा ऑफिशियल फ़ोन ख़राब हो गया, तो आज सुमन को एक नया फ़ोन दिला देते हैं। और वो कौन सा फ़ोन होगा वो होगा सरप्राइज़, तो आप भी बने रहें और देखिए कौन सा फ़ोन दिलाएंगे उनको आज। सो गाइस देखिए, सपना छुपा के चॉकलेट खा रही थी और मैंने इसको पकड़ लिया है और, के नहीं खा रही और इसकी सारी चॉकलेट अब मेरे कस्टडी में है। अब ये चाहे छुपा ले कुछ भी कर ले, हमने तो चॉकलेट खानी ही खानी है। सपना क्या कर रही थी तुम? सर मैं छुपा के नहीं खा रही थी, मैम को बोला मैंने कि मेरे पास चॉकलेट है, तो फिर एक मैम ने ली एक मैंने ली, दोनों गाइस मैंने कर ली है हाईजैक। और ये देखिए मैं खा रहा हूँ चॉकलेट, सपना की सारे चॉकलेट आज शाम तक फिनिश हो जाएंगे। और ये लड़की देखना कितना सैड हो गई है, इसकी चॉकलेट खत्म होती जा रही है। नहीं सर मैं तो यही बोल रही थी कि सबको एक एक दे देते हैं, सारे मिलके खाएंगे। कोई बात नहीं, अभी सारे तो पता नहीं, मैं तो जरूर खा रहा हूँ। सो गाइज एप्पल स्टोर होके आए हैं, तो जो पंचकुला का एप्पल स्टोर है उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि 13 प्रो मैक्स है वो अवेलेबल नहीं है और कोई उसका कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक अवेलेबल हो पाएगा, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो गाइस चलो तब तक वेट करते हैं और जैसे ही उनके पास स्टॉक अवेलेबिलिटी आएगी तो हमें फ़ोन करके अपडेट करेंगे, तो उसके बाद लेंगे। तो तब तक सुमन को और वेट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें पैसे थोड़ा सा और लेट देने पड़ेंगे। तो ये तो लक बाई चांस हो गया कि आज पॉकेट बच गई है। सो गाइज अभी आए हैं, एक बार कोर्ट से आए हैं, कोर्ट में से अब पहुंच गए हैं पुलिस चौकी। जो हमारे नेबर हैं और हमारे जो कलीग हैं राजेंद्र जी, उनके ऑफिस से कुछ उनका ही कोई स्टाफ का मेंबर मोबाइल्स वगैरह चोरी, मोबाइल और लैपटॉप चोरी करके ले गया था, जो भी पकड़ा गया है। हमने सफिशिएंट एविडेंस गैदर करके पुलिस को सबमिट किया था, तो पुलिस ने बड़ी फुर्ती से उसको विद इन 2 डेज पकड़ लिया और सारा मेटल रिकवर हो गया। तो अभी जा रहे हैं ऑफिस वापस। सो दलजीत को सस्ते में सार रहे हैं, देखिए गाइस ये एक केक से काम चला रहे हैं, एक बड़ी पार्टी लेके ऐसे ही आगाज एंड टीम। चलो क्लैपिंग तो कर दो भाई, क्या कर रहे हैं ये? फेयरवेल पार्टी। कहाँ लिखा हुआ है ये? डॉट लगा ना, दलजीत डॉट, फुल स्टॉप। दलजीत इमोशनल होना थोड़ा सा, थोड़ा एक हाथ से टपकावा। तो गाइज ये देखिए, ये हमारा लड़का अभी मूव ऑन कर रहा है, ये हमारे क्लाइंट बनने जा रहे हैं, तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक 2-लाइनर स्पीच आज देगा ये। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे डीजीएस से नॉर्थ में आने की, और नॉर्थ में मतलब जो भी कस्टमर बेस बना है, जो भी मतलब सीखाऊं डीजीएस के अंदर ही सीखा हूँ, तो सर को थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। अच्छा खाली मेरे को ही थैंक्स, बाकी टीम बाकी टीम सपोर्ट ऑलवेज टीम करती है, मोटिवेशन बॉस करता है। क्योंकि बॉस का मोटिवेशन गालियों के साथ भी होता है और प्यार से भी होता है।
गालियों वाला तो कभी मोटिवेशन मिला नहीं, मतलब फिर चांस ही नहीं आया। बाकी टीम का अच्छा सपोर्ट रहा है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहती थी टीम हमेशा खड़ी है साथ में। तो बहुत अच्छा सफर रहा, शॉर्ट टर्म सफर था बट अच्छा था, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाने को भी मिला टीम को। तो साथ में मिलके काम किया है, अच्छा काम किया है, और ऑल द बेस्ट बोलता है कंपनी को कि और तरक्की करेगा कंपनी कि दोबारा ग्रो है और ज़्यादा फिर अपॉर्चुनिटी कभी मेरे को मिले रिटर्न की। रिटर्न तो खैर हम बुला ही लेंगे, क्यों गाइस, अपॉर्चुनिटी तो हमारे हाथ में बनानी है। जब मुंबई से यहाँ लाने की अपॉर्चुनिटी बना दी तो यहाँ की यहाँ वापस लाने की अपॉर्चुनिटी तो बड़ी इजी है हमारे लिए। चलो, और जहाँ कहीं भी सपोर्ट की जरूरत रहेगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन। आगे मैम, यस, चलो ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू विल। सो दलजीत के साथ जितना भी सफर रहा काफी इंटरेस्टिंग रहा, दलजीत एज एन टीम मेंबर और एज एन प्रोफेशनल काफी वेल इम्प्रूव्ड पर्सन मिला हमें, जिससे आई होप कि हमारे कुछ लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो पर्सनली एक बींग ए ह्यूमन मैन भी इसका नेचर काफी अच्छा है, काफी सपोर्टिंग है, तो टीम को इसने काफी सपोर्ट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि एक टीम यूनिट को ड्राइव करने वाले लीडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो दलजीत में वो लीडरशिप क्वालिटी है कि जो टीम को लीड करके आगे कंपनी करियर के अंदर कंपनीज की ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करने वाली जो स्किल्स रहते हैं दलजीत के अंदर, वो स्किल्स हैं। बिजनेस डेवलपमेंट इटसेल्फ एक काफ़ी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कंपनीज के अंदर, जो कंपनीज में आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, जो दलजीत में है और इसने काफ़ी उनको इम्प्रूव भी किया हमारे साथ रह के। तो अब यही कहेंगे कि अपने करियर में ये आगे बढ़े और एक नई ऊंचाइयों को छुए, जैसे कि मैंने कल लास्ट ब्लॉग में भी डाला है, एक नया बेंचमार्क सेट करे, और हमारे जो भी कलीग्स हैं, जो अदर एसोसिएट्स हैं, तो उनके लिए एक रिमार्केबल और एक इंस्पिरेशन के रूप में, मतलब एक तौर पे दलजीत को याद किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि दलजीत फिर से हमारे को ज्वाइन करें, जैसे हमने बोला है, तो DGS ऐसा एक मुकाम हासिल करेगी, दलजीत दोबारा से हमारे को ज्वाइन करेगा और हम उस दिन का वेट करेंगे। तो दलजीत ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, और आप नई कंपनी में जाके एक नया बेंचमार्क सेट करो, हमें भी लगे कि हमारे कलीग्स कहाँ पे, वही बात है बेटा, ज्यादा फॉर्मली होने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे ही काम करते आए हैं और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक फैमिली एनवायरनमेंट हमने हमेशा कोशिश की है टीम में देने की, जैसे फैमिलीज में कुछ अच्छे पल्स होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो ऑल टुगेदर होते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं। तो दलजीत के साथ भी हमारे ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं, और दलजीत मुझे लगता है वो याद भी करेगा और हमें उसमें इंक्लूड भी करेगा। तो गाइज एंजॉय करते हैं दलजीत का केक, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। गाइस घर पहुंच गए हैं, और ये देखिए ये हमारी मोहतरमा, ये मेरे साथ ही आई है मार दिया, ओ
और ये हमारी डुगा और ये खारी है। सो गाइस ये है डुगी और ये अभी आई है ऊपर। और ये डुगी क्या कर रही है, क्या कर रही डुगी? देख रही हूँ। तेरा नाम डुगी है और क्या है? मेरा नाम डुगू है। डुगू है? डुगू कितने मंथ का बेबी है? मैं मंथ्स नहीं, आप मंथ्स में भी हो। मैं तो वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? नहीं आता। 12 मंथ्स होते हैं, जन टू दिसंबर, ये भी नहीं आता। आपकी टीचर्स देखेंगी आपका व्लॉग तो क्या बोलेंगी? मुझे पता था पर मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गया? तो आप 8 इयर्स के हो तो एक मंथ में 12, 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। आप खुद कंफ्यूज हो। तो 12 को 8 से करो, 12 8 जा 96। तो कितने मंथ्स के हो गए आप? 96 मंथ्स के। तो आप कैसे कह रहे थे कि मैं मंथ्स की नहीं हूँ, बताओ? तो यू आर ए 96 मंथ्स ओल्ड बेबी। अब आपको पता लग गया आप कितने मंथ्स के हो, है ना? तो गाइज अभी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अभी व्लॉग एडिट करना है और अपलोड करना है। अभी 12:45 का आसपास का टाइम है और अभी व्लॉग एडिट करने अपलोड करने में 1 घंटे का टाइम और लगने वाला है। तो 1 बज जाएगा आज भी सोने में, तो कल भी 1 बज गया था, आज भी 1 बज जाएगा, तो काफ़ी लेट हो गया है। तो फटाफट व्लॉग एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं और सोते हैं। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शब्बा केयर, टेक केयर। I'm not really close.